हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज अवकल समीकरण मानी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 को कवर करेंगे। और इससे पहले हमने एक और वीडियो आपको दिया है, उसमें कुछ बातें हमने आपको बताई थी, जो बेसिक बातें थी कि अवकल समीकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका कोटि क्या होता है मानी इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका घात अर्थात पावर इसका क्या होता है। और इसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज से हमने बताया जो 9.1 एक्सरसाइज है उससे आपको बिल्कुल सीधा सीधा एक नंबर मिलने की गारंटी वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब एकदम सीधा देखते ही आपको यह पता लग जाएगा कि इस इक्वेशन जो आपका अवकल समीकरण है उसकी घात क्या है, उसका कोटि क्या है। बस घात और कोटि, बस यही दोनों आपको पूछे जाएंगे, उसमें से एक नंबर आपको बिल्कुल कंफर्म मिलेगा, ठीक है। अब तक इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के इस वीडियो को आप देख लें, जिससे कि आपका ये एक नंबर बिल्कुल जो मुफ्त वाला होता है, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो भैया पहले इसको एक बार लाइक जरूर कर दें और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। देखो यहां पर हमें एक अवकल समीकरण दिया जाएगा और सवाल में ऐसा कहा गया है कि इस अवकल समीकरण का ये वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वन इसका हल है, ये हमें सत्यापित करके दिखाना है। ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दिया गया जो फलन है वो इस अवकल समीकरण का हल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, देखो यहां पर दो प्रकार के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर देखो ये जो अवकल समीकरण दिया गया है, इस अवकल समीकरण को एक तो कभी कभी सवाल ऐसा देगा कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए और आपका ये अवकल समीकरण मिल जाए, तो आपको ये लिख देना है कि इस अवकल समीकरण का ये फलन हल है, ऐसा ये प्रूफ हो जाएगा। एक दूसरा रूल ये भी हो सकता है कि इसको हम फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे मानी बाई डैश निकालेंगे, और इसको सेकेंड टाइम डेरिवेट करेंगे तब बाई डबल डैश निकल आएगा, और फिर बाई डबल डैश और बाई डैश का मान यहां रख देंगे, और ये अगर आपका समीकरण संतुष्ट हो जाए तो मान लेंगे कि दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों तरीके के सवाल हमें मिलेंगे, जो भी सुविधा के मुताबिक हमें सरलता से हासिल हो जाएगा उसी मेथड को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें दिया गया फलन कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखो वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वन। सबसे पहले हम यहां पर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिख दें, वाई डैश लिख दें, क्योंकि वाई डैश से ही सवाल दिया गया है, ये इक्वेशन जो दिया गया है उसमें वाई डैश लिखा है। तो वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स का, एक्स के सापेक्ष अवकलन ई की पावर एक्स होता है, और ये आपका जो अचर पद है इसका अवकलन कितना होता है, जीरो होता है। इसका यहां पर फिर से अवकलन कर दें, पुनः अवकलन करने पर अगर दोबारा से फिर से अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश बराबर ई की पावर एक्स का, तो अवकलन ई की पावर एक्स ही रहेगा, सीधा सीधा काम है। तो देखो ये हमारे पास जो वाई डैश की वैल्यू निकली वो भी आपकी ई की पावर एक्स निकली, और वाई डबल डैश की वैल्यू जो निकली वो भी आपको ई की पावर एक्स ही मिली है। देखो इस पर एक नंबर डाल दें और इस पर इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दें, बस इन दोनों मानों को आपस में ये तो घटा दें, देखो या बाई डबल डैश और बाई डैश ये दोनों मानों को यहां पर रख दें, बराबर जीरो मिलेगा, ठीक है। समीकरण दो को ऐसे ही कर देते हैं, समीकरण दो से समीकरण एक को घटा दें, समीकरण एक को घटाने पर क्या कर दें, यहां पर हम दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा बाई डबल डैश, और इसमें से आपको घटाना है बाई डैश, और बराबर में ये देखो ई की पावर एक्स में से ई की पावर एक्स को जब घटाओगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये देखो हमारा अवकल समीकरण प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अवकल समीकरण जो दिया गया है इसका ये बाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वन हल है, आपको यहां लिखना है, अतः बाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वन समीकरण बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर जीरो का हल है, हल है, ठीक, ऐसा लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा,
इसमें भी बिल्कुल वही बात है, सारे प्रश्न एक ही पैटर्न पे एक ही बात पूछी गई है कि ये आपका जो अवकल समीकरण दिया गया है, इस अवकल समीकरण का दिया गया ये फलन आपका ये इसका हल है, ये हमें इसमें सब में प्रूव करवाया गया, सारे प्रश्नों में एक ही बात है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको करना है जो दिया गया फलन है उसका, देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में दो एक्स और प्लस में सी लिखा हुआ है, इसका हम क्या करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे। यहां लिख दें ज्यादा क्या लिख दें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो को बाई का अवकलन आपको लिखना है बाई डैश और बराबर यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता है दो एक्स होता है, प्लस दो इंटू एक्स का अवकलन एक और प्लस ये अचर पद इसका अवकलन जीरो लिखना है। तो अब आपके पास ये देखो क्या हो जाएगा, बाई डैश बराबर में टू एक्स और प्लस का टू। अगर इसको हम यहां इधर इन दोनों पदों को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा बाई डैश माइनस का 2x और माइनस का 2 और बराबर में 0। देखो सीधा सीधा यही इक्वेशन प्राप्त हो गया है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है, का हल है। ठीक, इतना लिखना क्लियर। हमने बताया आपको दो तरीके हैं, आपको एक तो तरीका यह है कि इसका आप डिफरेंशिएट करते जाइए और बस ये प्राप्त हो जाए, तो आपको लिखना है कि इस अवकल समीकरण का ये फलन हल है। ठीक है, और कभी कभी आपको यह भी करना है कि इसमें आपको जैसे फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे सेकेंड टाइम डेरिवेट करेंगे और फिर उन डेरिवेटों को आपको यहां पर रख देना है, जितने बार अवकलन करना है और करके यहां पर रख देंगे, और अगर ये समीकरण संतुष्ट होता है तो इसका मतलब दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो लिखा है वाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी और अवकल समीकरण वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0, हमें ये अवकल समीकरण दिया गया है, इस अवकल समीकरण का वाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी एक हल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी, इसका हम सबसे पहले पहली बार अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, यहां लिख दें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहां अगर x के सापेक्ष अवकलन y का करना है तो क्या लिखना है, y डैश और बराबर में cos x का अवकलन सीधा सीधा माइनस साइन x लिखना होता है और प्लस ये अचर पद है इसका अवकलन जीरो लिखना है। तो हमारे पास ये बचेगा कितना, देखो y डैश और अगर हम माइनस का साइन इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन x और बराबर में जीरो, यही देखो दिया गया अवकल समीकरण है। इसका मतलब सीधा सीधा है, अतः y बराबर कॉस एक्स प्लस सी अवकल समीकरण वाई डैश प्लस साइन एक्स का हल है, का हल है। ठीक, ये आपका जो समीकरण फलन दिया गया है ये फलन अवकल समीकरण इसका हल है। ठीक है, बराबर जीरो का हल है, ऐसे लिखना। ठीक, क्लियर भैया, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा लिखा है और ये भी बिल्कुल बिल्कुल सेम सारे प्रश्न हैं, कुछ अलग से नहीं है। देखो प्रश्न संख्या चौथा क्या है, ये लिखा हुआ है चौथा नंबर, वाई बराबर अंडर रूट साइन वाई बराबर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको क्या करना है, यहां पर एक्स के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपको देखो बाई का अवकलन बाई डैश लिखना है और बराबर में यहां पर देखो इसका अवकलन सबसे पहले अंडर रूट का करना होता है, तो एक बटे दो पहले लिखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर लिखना है माइनस एक बटे दो, और इसके बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर को दोबारा से अवकलन करना होता है जीरो प्लस टू एक्स, एक का अवकलन जीरो करोगे और एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी देखो लिख सकते हैं,
ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो x ऊपर बचेगा और अपॉन में आपको अंडर रूट में लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बटे दो घात नीचे ले आओगे, प्लस की 1 बटे दो घात हो जाएगी और 1 बटे दो घात का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, देखो अब यहां पर थोड़ा सा और बदलाव करेंगे, y का देखो ऊपर नीचे गुणा करें या फिर एक काम करें, ये x लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर गुणा कर दें और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम नीचे भी गुणा करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे नीचे गुणा करेंगे तो अंडर रूट नीचे का खत्म हो जाएगा सीधा, तो आपके पास बचेगा बाई डैश बराबर एक्स, और यहां पर देखो ध्यान दें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम बाई लिख सकते हैं और अपॉन में नीचे आपका ये अंडर रूट का निशान खत्म हो जाएगा सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो वही आपका अवकल समीकरण मिल गया जो हमें प्रश्न में दिया गया था। इसका मतलब सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, अतः जो y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है वह अवकल समीकरण y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है, इतना लिखना है। ठीक है भाई, कोई डाउट? देखो इसी के साथ में आपके पास एक पांचवा प्रश्न लिखा है, इसको रब कर दें और पांचवा प्रश्न देखें, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, कुछ नया कुछ करना नहीं है। देखो प्रश्न संख्या पांच ये है, इसमें भी आपसे कहा गया है y बराबर ए एक्स दिया गया है और आपको प्रूव करना है कि x इंटू वाई डैश बराबर वाई जबकि x डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये अवकल समीकरण दिया गया है, इस अवकल समीकरण का y बराबर ए एक्स एक हल है, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको वही काम करना होता है, देखो हर एक में एक ही काम करना है, y बराबर ए एक्स इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे y का तो कितना लिखना होता है, y डैश बराबर ए आपका अचर है x का, x के सापेक्ष अवकलन एक हो जाता है। अब आपके पास ये बचेगा कितना, बाई डैश बराबर ए। देखो समीकरण एक से ए की वैल्यू निकालें और यहां पर रख दें इक्वेशन नंबर दो में, यहां देखो समीकरण एक से ए बराबर आपको निकालना है, देखो कितना निकलेगा ए का मान, बाई अपॉन एक्स, और कहां लिखना है, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो बाई डैश बराबर ए की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है, बाई अपॉन एक्स लिखनी है, या हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखो ये एक्स इधर मल्टीपल करना है तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स इंटू बाई डैश बराबर में बाई। ठीक है, जबकि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये देखो अवकल समीकरण आपका प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अतः यहां लिखना है, अतः ए बाई बराबर ए एक्स समीकरण एक्स इंटू बाई डैश बराबर बाई का हल है। ठीक, ये जो अवकल समीकरण दिया गया है इस अवकल समीकरण का बाई बराबर ए एक्स हल है। ठीक है, और एक आपको देखो छठवां प्रश्न है, इसको भी रब कर दें, और छठवां प्रश्न जो लिखा है बिल्कुल एकदम सेम सारे प्रश्न हैं, हमने बताया कुछ भी अलग अलग नहीं करना है, छठवें प्रश्न में भी देखो वही काम है। छठवां प्रश्न देखें, लिखा है बाई बराबर एक्स इंटू में साइन एक्स। ठीक है, इसका हमें हल दिखना है कितना, देखो यहां पर लिखा है एक्स इंटू बाई डैश बराबर बाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इस अवकल समीकरण का ये हल है, कौन सा हल है, बाई बराबर एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहां पर सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख दें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो बाई का अवकलन करना है, बाई डैश लिखना है और बराबर में यहां पर देखो फर्स्ट फलन और इंटू में सेकेंड फलन, मतलब दो फलनों के गुणनफल वाला डिफ्रेंशिएट कर सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है, देखो x मानी पहला फलन ज्यों का त्यों लिखना है, sin x का अवकलन लिखना है कितना, cos x, तो फर्स्ट फलन सेकेंड का अवकलन प्लस अब सेकेंड वाला फलन लिखना है sin x ज्यों का त्यों, और फर्स्ट का अवकलन मानी x का अवकलन एक, x का x के सापेक्ष अवकलन एक होता है। तो यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा कितना, देखो y डैश बराबर x इंटू में cos x और प्लस में क्या लिखेंगे, sin x। ठीक है, तो यहां पर देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है यहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स नहीं लिखा है, तो यहां पर हमें साइन एक्स और कॉस एक्स को यहां से
हटाना है देखो किस प्रकार से, वाई डैश बराबर में एक्स इंटू ये आपका जो कॉस एक्स लिखा है इसको हम साइन के पदों में लिखेंगे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन के पदों में कॉस का मान, ठीक है, और प्लस ये आपका साइन एक्स ज्यों का त्यों। यहां पर देखो एक नंबर दो नंबर डाल लें और ये दिया गया इक्वेशन इसको पहला नंबर डाल लेते हैं, और अब हम समीकरण एक से साइन एक्स की वैल्यू निकाल के यहां पर रख देंगे, बस हमारा वही इक्वेशन मिल जाएगा। समीकरण एक से आपको क्या करना है, समीकरण एक से देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहां से हमें साइन एक्स बराबर निकालना है तो ये निकलेगा बाई अपॉन एक्स, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, और कहां ये रखना है समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। तो अगर यहां पर रखेंगे तो देखो ये हमारे पास इस प्रकार बन के आ जाएगा, बाई डैश बराबर एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को आपको लिखना है बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहां पर साइन एक्स का मान आपको दोबारा क्या लिखना है बाई अपॉन में एक्स, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो बाई डैश बराबर में एक्स इंटू में अंडर रूट देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लें तो एक्स हो जाएगा, और प्लस में ये आपका बाई अपॉन एक्स लिखा है ज्यों का त्यों, ठीक है। ये देखो अपॉन में एक्स है, ये भी एक्स है, और इसको अगर एलसीएम लेके इधर मल्टीपल कर दें तो सीधा सीधा इसमें मल्टीपल हो जाएगा, और यहां हम लिख देते हैं ये हो जाएगा देखो एक्स इंटू में बाई डैश बराबर, ये एक्स यहां से एलसीएम लेके इधर मल्टीपल करना है तो एक्स इंटू बाई डैश बराबर हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा देखो एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और प्लस में ये बचेगा कितना बाई, देखो यही तो इक्वेशन दिया गया है, यहां पर बस केवल पद का अंतर है, x इंटू बाई डैश बराबर ये बाई वाला पद पहले लिख लिया गया है और प्लस फिर x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अतः बाई बराबर x इंटू साइन एक्स अवकल समीकरण, अवकल समीकरण x इंटू बाई डैश बराबर बाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का हल है, का हल है, ठीक है भाई। हर सवाल में एक ही प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम सवाल है, यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो लिखा है एक्स इंटू बाई बराबर लॉग बाई प्लस सी, और अवकल समीकरण दिया है बाई डैश बराबर बाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स बाई, जबकि एक्स इंटू बाई डज नॉट इक्वल टू वन। देखो अवकल समीकरण दिया गया है बाई डैश बराबर बाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स बाई, और इस अवकल समीकरण का एक हल है कौन सा, एक्स इंटू बाई बराबर लॉग बाई प्लस सी। तो देखो इसका हम डिफ्रेंशिएट सबसे पहले करेंगे, यहां लिख दें एक्स इंटू बाई इक्वल टू लॉग बाई प्लस सी, x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। देखो यहां पर सबसे पहले देखो अवकलन करने के लिए गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपको लिखना है फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, देखो यहां पर हम y का अवकलन क्या लिख दें y डैश, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला फलन y ज्यों का त्यों, तब फर्स्ट वाले का अवकलन एक लिख देना है और बराबर का निशान यहां लगाएं, लॉग बाई का अवकलन आपको वन अपॉन बाई लिखना है और बाई का अवकलन दोबारा से बाई डैश लिखना है प्लस अचर पद को जीरो लिखना है। तो अब यहां पर देखो बाई जो अपॉन में लिखी है इसका हम इधर मल्टीपल करेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगी, देखो एक्स इंटू बाई डैश प्लस बाई में बाई का गुणा करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में यहां बाई डैश लिखना है, ठीक। तो अब देखो यहां से हमें तो बाई डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम इस वाले पद को पहले इधर ले जाएंगे तो देखो ये हो जाएगा बाई डैश माइनस एक्स इंटू बाई डैश और बराबर में कितना बाई स्क्वायर। तो अब यहां से दोनों जगह से बाई डैश कॉमन लें तो हमारे पास ये बचेगा वन माइनस एक्स इंटू बाई बराबर में कितना बाई स्क्वायर, और बस बाई डैश बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स इंटू बाई। तो को ये बिल्कुल वही अवकल समीकरण प्राप्त हो रहा है ना। तो अगर ये अवकल समीकरण प्राप्त होता है इसका मतलब इस अवकल समीकरण का ये हल है ना। आपको क्या लिखना है, अतः x इंटू बाई बराबर लॉग बाई और प्लस सी
अवकल समीकरण बाई डैश बराबर बाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स बाई का हल है। ठीक, क्लियर, सिंपल सी बात है, हर एक प्रश्न एक जैसे ही है। देखो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, इसको रब कर दें और देखें क्वेश्चन नंबर आठवां। देखो ये क्या है क्वेश्चन नंबर आठवां, इसमें भी देखो इसी प्रकार से लिखा हुआ है बाई बराबर, देखो लिखा है बाई बाई माइनस कॉस बाई बराबर में कितना है एक्स, और इसका हमें अवकल समीकरण बनाना है कितना बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई प्लस एक्स, और ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखा है बाई डैश और बराबर में बाई। ठीक है, तो वही अवकल समीकरण हमें बनाना है इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यहां लिख दें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो इस पर नंबर हम एक डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो y का अवकलन आपको लिखना है y डैश माइनस, यहां cos y का अवकलन करना है माइनस साइन y, और फिर y का अवकलन y डैश लिखना है, और बराबर में आपको x का x के सापेक्ष अवकलन एक लिखना है। ठीक है, तो यहां देखो y डैश दोनों जगह से कॉमन मिलेगा, यहां से बचेगा वन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आपके पास यहां बचेगा साइन बाई और बाई डैश ये कॉमन मिल गया, और बराबर में आपको एक लिखना है। ठीक है, और अब इसके बाद में देखो क्या करना है, यहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, बाई का अगर हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें, यहां लिख दें बाई का दोनों पक्षों में गुणा करने पर अगर दोनों पक्षों का देखो दोनों पक्षों में बाई का गुणा कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो बाई का यहां एक में गुणा बाई हो जाएगा, प्लस बाई इंटू में साइन बाई हो जाएगा, और इंटू में ये कोष्टक बंद करने के बाद बाई डैश बराबर में यहां भी हमें बाई का गुणा करना है तो ये हो जाएगा बाई। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद में समीकरण एक से थोड़ा हम और कुछ करेंगे। देखो यहां से अगर हम समीकरण एक से इस पर हम नंबर दो डाल दें, यहां लिख दें समीकरण एक से पहले वाले समीकरण से अगर यहां पर देखो ये माइनस का कॉस बाई अगर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस कॉस बाई और बराबर में कितना हो जाएगा बाई। ठीक है, तो हम x प्लस कॉस बाई बराबर बाई लिखेंगे, या हम ये कहें बाई बराबर x प्लस कॉस बाई लिखेंगे इतना। ठीक है, बाई बराबर कितना लिखेंगे x प्लस कॉस बाई, यहां पर देखो समीकरण दो में रखने पर देखो हमें जैसा प्रश्न कह रहा है बस वैसे ही मिलाना है, बस और कुछ नहीं है। देखो इस बाई की जगह पे हमें लिखना है कितना x प्लस कॉस बाई लिखना है इस बाई की जगह पे, और प्लस अब आगे देखो हमें ज्यों का त्यों रखना है इस पद को, तो बाई साइन बाई आपको नहीं बदलना है, ज्यों का त्यों लिखना है, ब्रैकेट बंद करेंगे, बाई डैश भी आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, और बराबर ये बाई आपको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, देखिए वही आपको समीकरण प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, तो आपको लिखना है अतः बाई माइनस कॉस बाई बराबर एक्स अवकल समीकरण बाई इंटू साइन बाई और प्लस एक्स प्लस कॉस बाई इंटू बाई डैश बराबर बाई का हल है। ठीक, सीधा सीधा वही भाषा वही सब कुछ, कुछ नहीं करना है, बस आपको डिफ्रेंशिएट करके ये आपको फलन पूरा मिलाना है, मानी अवकल समीकरण पूरा मिलाना है। और हमने बताया किसी किसी में ये करना होता है कि इसके हम डेरिवेटिव निकालेंगे और उन डेरिवेटिव को यहां पर रख के हम संतुष्ट करा देंगे, और बस हमारा अगर संतुष्ट होता है तो अभी आपको लिखना है कि ये फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नमा, लिखा है एक्स प्लस बाई बराबर टेन इनवर्स बाई, और इसका आपको देखो एक अवकल समीकरण दिया गया है बाई स्क्वायर इंटू बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, और इस अवकल समीकरण का ये हल है ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हमें लिखना है एक्स प्लस बाई बराबर टेन इनवर्स बाई, इसका हमें क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन करने पर
तो देखो सबसे पहले x का x के सापेक्ष अवकलन एक लिखना है, प्लस y का अवकलन आपको y डैश लिखना है, बराबर tan इनवर्स y का अवकलन एक बटे वन प्लस y स्क्वायर, और y का अवकलन y डैश लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो वन प्लस वाई स्क्वायर जो अपॉन में लिखा है इसका इधर मल्टीपल करना है, तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में वन प्लस वाई डैश बराबर में ये वाई डैश, ठीक है। इसका मल्टीपल करोगे तो देखो ये हो जाएगा वन प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर बराबर में क्या लिखना है वाई डैश, और ये वाई डैश इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो बाई डैश ये बाई डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो बचेगा वो सब कुछ बस यही बचेगा जो आपका आंसर है, समझो ऐसे समझो, है ना। तो आपको लिखना है बाई स्क्वायर इंटू बाई डैश ये, और फिर इसके बाद बाई स्क्वायर लिखना है प्लस में एक लिखना है बराबर जीरो। तो क्या मिला इसका, इससे क्या नतीजा निकलता है, इससे नतीजा निकलता है कि इस अवकल समीकरण का ये हल है, आपको लिखना है अतः x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई अवकल समीकरण वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो का हल है, ठीक। ये वाली नीचे वाली लाइन सब में वही लिखनी है, कुछ नहीं अलग कुछ नहीं करना है, केवल डिफ्रेंशिएट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, रब कर दें इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दसवां, देखो क्या है दसवां प्रश्न आपका है, लिखा है इसमें y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसका हम कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों पक्षों का क्या कर दें वर्ग, यहां पर अगर वर्ग कर दें तो ये हमारा बाई स्क्वायर हो जाएगा और इसका ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इतना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर और इक्वल टू में कितना ए स्क्वायर, ठीक। यहां लिख दें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको 2x लिखना है प्लस y स्क्वायर का अवकलन 2y लिखना है, और फिर इसके बाद y का अवकलन y डैश लिख दें या dy ओवर dx लिख दें, एक ही बात है, और बराबर में ये a स्क्वायर अचर राशि है इसका अवकलन जीरो होता है। बस दो का अगर पूरे समीकरण में डिवाइडेशन कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस में y इंटू dy ओवर dx और बराबर में जीरो। तो ये देखो प्रूव हो गया, आपको क्या लिखना है अतः y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकल समीकरण x प्लस y इंटू dy बराबर dy ओवर dx बराबर जीरो का हल है, ठीक। ये जो दिया गया फलन है वो इस अवकल समीकरण का हल है, ये आपको प्रूफ ये होता है, ठीक है। तो अब इस प्रकार ये देखो 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, है ना। इस एक्सरसाइज में दो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है चार कोट वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अचरों की संख्या कितनी होगी, आपको लिखनी है चार। यहां पर देखो चार कोट का अगर अवकल समीकरण होता है तो उसको हमें चार बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, और जितने बार इंटीग्रेट करते हैं उतने ही कॉन्स्टेंट लिए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेट करने में। तो यहां पर हमें हालांकि इस चार कोट वाले अवकल समीकरण का हल यहां पर आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, लेकिन यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट में पूछा गया है, तो आपको यही बताना है कि चार कोट के अवकल समीकरण जो होते हैं उसमें उसके व्यापक हल में उपस्थित अचरों की संख्या कितनी, चार होती है। जबकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो बात पूछी गई है उसमें भी आपको समझना है तीन कोट वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है, इसमें आपको लिखनी है जीरो, मतलब शून्य, कोई भी अचर पद इसमें नहीं होगा विशिष्ट हल में। देखो विशिष्ट हल में क्या करते हैं, जो भी आपको देखो पहले हम व्यापक हल उसका निकालेंगे, और व्यापक हल में जो भी कॉन्स्टेंट आएगा उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के उसी समीकरण में रख देते हैं तो उसका हमें विशिष्ट हल मिल जाता है, मतलब हमें
जो कॉन्स्टेंट है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं, मतलब उसमें कॉन्स्टेंट हमें नहीं रखना होता है। तो आपको याद रखना है कि विशिष्ट हल में जो स्वेच्छ अचर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, जीरो, मतलब कोई भी अचर पद नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न आपके खत्म हो गए। जो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 9.3, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अवकल समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। मतलब हमें वक्र का समीकरण दिया जाएगा और उस वक्र के समीकरण में जो भी अचर राशियां होंगी उनको हमें विलुप्त करना है, मानी उसको हमें नहीं रखना है, और उसको विलुप्त करके हमें अवकल समीकरण कैसे बनाना होता है वो सारे सवाल उसमें आएंगे। ठीक है, इससे आगे वाली वीडियो में आएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वाले दिन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम फिलहाल यहीं समाप्त करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन